Hi fam, what's up? Welcome and welcome back to my YouTube channel. This is me, Yoshi, and hope you all are doing awesome. And welcome back to another skincare video of my channel. So today I'm going to share with you how to apply a sheet mask. I know आप में से बहुत लोगों को पता है कि sheet mask कैसे use करना है, ये भी कोई topic हुआ, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन actually नहीं, इसमें भी हमें बहुत कुछ जानना होता है. ऐसा होता है कि sheet mask apply करने के time पे हम बहुत सारे mistakes कर देते हैं जो कि हमारे skin के लिए harmful हो सकता है या फिर skin के लिए beneficial नहीं हो सकता है. So properly हम लोग sheet mask को कैसे apply करें वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडियाज. मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग प्लीज वहां से चेकअप कर लीजिएगा. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं जो शीट मास्क यूज कर रही हूँ वो है गुड वाइब्स इंस्टा ग्लो उपटन शीट मास्क. सो चलिए इसको यूज करते हैं. आप कोई भी ब्रांड का शीट मास्क यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपकी स्किन में सूट होता है. बहुत सारे ब्रांड्स के शीट मास्क होते हैं लाइक गुड वाइब्स, नाइका, पर्पल, लैक्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का शीट मास्क यूज कर रही हूँ. सो मैंने अपने फेस में अभी कुछ नहीं लगाया हुआ है, एकदम बेयर फेस है, लाइक मॉइस्चराइजर टोनर कुछ भी यूज नहीं किया है. अगर आप चाहें तो टोनर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल अभी कुछ यूज नहीं किया है, कुछ अप्लाई नहीं किया है. सिर्फ मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया है. अभी मैं शीट मास्क को अप्लाई करने वाली हूँ. सो इसको अप्लाई करने से पहले फर्स्ट स्टेप जो है, अच्छे से शीट मास्क को अपने दोनों पम के बीच में रखकर अच्छे से इसको रब करें, क्योंकि ये रब करते करते एक टाइम पर थोड़ा सा वार्म हो जाएगा और उस वजह से जो पैकेजिंग है उसमें जो सीरम लगा हुआ होता है वो मैक्सिमम शीट मास्क में आ जाएगा. सो दिस इज माय शीट मास्क. अभी भी काफी सीरम है इस पैकेट में, मैं इस पैकेट को रख दूंगी. देन हल्के हाथों से आप लोग अपने शीट मास्क को ओपन कर लीजिएगा. अभी जो यहाँ पर फेस का डायरेक्शन है, ऐसे इसको आप अपने फेस में अप्लाई करेंगे. नोज का जो पोर्शन ऐसे सामने की तरफ ओपन हो रहा है लाइक दिस, ये आपको ऊपर रखना है, ठीक है. तो अभी मैं इस शीट मास्क को अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ. शीट मास्क ऐसे ही डिजाइन किया होता है कि हर एक के फेस कट में ये अच्छे से फिट हो जाए. तो मेरा फेस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो अच्छे से फिट हो जाता है. लेकिन फेस शेप जो है वो सभी का अलग अलग होता है, तो उस वजह से मैं इसको सेट कर लूंगी. पहले तो मैं इस नोज एरिया के यहाँ पर एक कट कर रही हूँ दोनों साइड में ही, ताकि जो साइड का एरिया है वो अच्छे से कवर अप हो जाए. देन मैं इस शीट मास्क को अच्छे से प्रेस करके अपने फेस में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहे, इसका जो सरफेस है एकदम स्मूथ हो जाए. देन मैं चीन एरिया का एक साइड भी कट कर रही हूँ. अगर आप लोग चाहे तो दोनों साइड भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साइड को ही कट करके अच्छे से स्ट्रेच करके उसको अपने चीन एरिया में एकदम स्मूथली अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस. नाउ यू कैन सी मैंने शीट मास्क को एकदम प्रॉपरली अपने फेस में अप्लाई कर लिया है. शीट मास्क अप्लाई करने के बाद कभी भी बात मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपने जैसे शीट मास्क अप्लाई किया है वो वैसे नहीं रहेगा. एज ऑब्वियसली शीट मास्क अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है. शीट मास्क अप्लाई करने के बाद आप लोग सो मत जाना या फिर भूल मत जाना कि कितना टाइम हुआ है. बहुत से लोग थोड़ा सा नैप ले लेते हैं शीट मास्क लगाने के बाद, लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है. शीट मास्क का जो सीरम है उसको पूरा ड्राई होने आप मत दीजिएगा, नहीं तो आपका फेस ड्राई हो जाएगा. सो मैं इसको 10-15 मिनट्स तक रखती हूँ हार्डली. थोड़ा थोड़ा सीरम रहता है, मॉइस्चराइजेशन रहता है, देन मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ. अभी फिलहाल मैंने शीट मास्क का जो पैकेट रख दिया था उसके अंदर जो सीरम था वो मैं अपने हाथों पर एल्बो पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा. 10 मिनट्स लेटर After 10 minutes ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा ड्राई हुआ है. अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ. देन मेरे फेस में जो रेस्ट सीरम है उसको मैं अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने फुल फेस में मसाज करके उसको अब्सॉर्ब कर लूंगी. सो मैंने शीट मास्क को रिमूव करके जेंटली मसाज करके पूरा का पूरा सीरम अपने फेस में अब्सॉर्ब कर लिया है. एंड यू कैन सी द नेचुरल ग्लो ऑन माई फेस. दिस फील्स सो हाइड्रेटेड एंड सो कूल.
सो सूदिंग, सो रिफ्रेश. यू कैन सी एक इंस्टेंट ब्राइटनेस आ गया मेरे फेस में, एक इंस्टेंट ग्लो आ गया, मॉइस्चराइजेशन आ गया. सो शीट मास्क आर जस्ट अ क्विक फेशियल के आप इंस्टेंटली करो, बस 15-20 मिनट में आप उसके बाद रेडी होकर बाहर जा सकते हो. लाइक इतना अच्छा फिनिश है शीट मास्क का. बट शीट मास्क के कुछ यही साइड्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो मैंने आपको वीडियो में कहा. और हाँ, इस शीट मास्क का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं. सो या दैट्स इट. आई होप आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा एंड बेनिफिशियल लगा होगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए. एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट. तो चलिए ये वीडियो यही तक था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, लव यू, सी यू सून. टाटा.